तो देखा दोस्तों, यहाँ विजय रामपुरा में हमारे जो दीपक भाई हैं, एक समाज सेवी के रूप में उभर के आए हैं, जो प्रतिवर्ष ऐसे ही बुजुर्गों को गर्म कपड़े बांटते हैं। अगले साल 25 बांटू, मेरा लक्ष्य यही रहेगा वृद्धों के प्रति। बहुत बढ़िया लगा, हम तो ये लंबी उम्र होगा उनकी, हमारी बहुत हो करी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा नेक काम करा, बहुत धर्म काम करा। ये धर्म का काम है, कोई गलत काम नहीं है, बढ़िया काम है। दोस्तों, आज तक आपने किसी नेताओं के द्वारा किए गए सामाजिक कार्य देखे होंगे, दान पुण्य वाले काम। लेकिन दोस्तों, बुक्सा समाज में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कई वर्षों से सेवा कर रहा है, दिल से सेवा कर रहा है, और वो एक आम व्यक्ति है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक सिंह की, दीपक भाई की, जो ग्राम सोरनपुरी विजय रामपुरा से हैं, वाजपुर ब्लॉक, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के निवासी हैं। दोस्तों, ये प्रतिवर्ष जाड़ों के टाइम में, ठंड के टाइम में बुजुर्ग महिला पुरुषों को गर्म वस्त्र बांटते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज ये कंबल बांट रहे हैं और ये बुजुर्ग लोग इनसे बहुत खुश रहते हैं और बहुत तारीफ करते हैं इनकी। और देखिए, इनकी जो अर्धांगिनी है, वाइफ, पत्नी ज्योति जी, वो भी बहुत अच्छी हैं, अपने पति का पूरा सहयोग कर रही हैं, और साथ में प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा गणेश, नाम भी देखिए गणेश है, गणेश भगवान जी के रूप, और वो भी यहाँ पर सेवा करते हुए। देखिए दोस्तों, ये होती है बुजुर्गों की, माँ बापों की असली सेवा। ऐसे ठंड के टाइम में बुजुर्गों को अगर गर्म कपड़े मिल जाते हैं, दोस्तों बुजुर्गों को या हमारे माता पिता को क्या चाहिए कि बच्चा मेरा अच्छा काम करे, सेवा करे, बुजुर्गों की सेवा करे। तो देखिए दोस्तों, आज यहाँ इनके जो कल्चर हैं या जो संस्कार हैं, वो यहाँ दिखाई देते हुए। कहते हैं दोस्तों, रेगिस्तान में अगर पानी की एक बूंद भी पड़ जाए तो उस एक बूंद की वैल्यू उस प्यासे से पूछना कि वो एक बूंद उसके लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक दोस्तों, ऐसे ही हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, और हमारा जो लड़का है, हमारी जो बहू है, वो अच्छा कार्य करे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा और नेक कार्य किया जा रहा है दीपक और दीपक की फैमिली के द्वारा। दोस्तों, और ये जो भी कंबल बांट रहे हैं या हर साल बांटते हैं, अपने दम पर बांटते हैं, अपने पैसे से बांटते हैं, और बदले में इनसे कुछ नहीं चाहिए, ना इनसे वोट चाहिए, ना कुछ चीज़ चाहिए, बस निःशुल्क सच्चे मन से ये दान देते हैं। दोस्तों, हमें भी दीपक भाई ने आज बताया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि कोई तो युवा है जो ऐसे नेक कार्य कर रहा है, और वो भी एक आम इंसान। तो दोस्तों, मेरा भी फर्ज बनता है ऐसे नेक कार्य को दिखाना, आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि अच्छे अच्छे कार्य को दिखाना। यदि आप भी कोई अच्छे कार्य कर रहे हो या आपके घर में कोई प्रोग्राम है, किसी भी तरह की वीडियो बनानी है, तो हम निःशुल्क वीडियो बनाते हैं और सबको दिखाते हैं आपके अच्छे कार्य, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति हों। जो अच्छे कार्य करेगा तो बुक्सा परिवार उसके अच्छे कार्य को देश दुनिया तक दिखाने का काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा कार्य हो रहा है, नेक कार्य हो रहा है, और उसकी वीडियो हम बनाने आए हैं, और इससे दोस्तों हम सबको सबक भी लेना है, एक सीख भी लेनी है, ये प्रेरणा भी है। देखो, दीपक भाई हैं, अभी बात इनकी ज़्यादा मनना होगी, एक युवाई हैं, और इन्होंने कितनी हिम्मत भरी है, प्रतिवर्ष गरीब महिला पुरुष बुजुर्गों को वस्त्र वितरण करना। देखिए दोस्तों, कितने खुश हैं यहाँ के लोग, और आपको दीपक भाई से भी रूबरू कराएंगे और इन महिलाओं से भी रूबरू कराएंगे कि दीपक भाई के बारे में ये क्या विचार रखती हैं और क्या कहती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वस्त्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, अब आपको हम रूबरू कराते हैं इन महिलाओं से और दीपक भाई से।
तो आए दोस्तों, यहाँ हमारे दीपक भाई हैं, विजय रामपुरा सोलनपुरी से है, और हमें पता चला ये प्रति वर्ष मतलब यहाँ बुजुर्गों को कंबल या गर्म कपड़े बांटते हैं, बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं दीपक भाई से, मिलाते हैं आपको। तो दीपक भाई जी बताइए, मतलब आपको मतलब कैसी विचार आया और कब से आप ये बांट रहे हैं ना? देखो ऐसा है कि हर एक बंदे को अपना फर्ज निभाना चाहिए। अब किसी के मतलब अब हम घर से सही हैं तो किसी के लेने देने से कुछ नहीं होता है। अगर हमारे हमसे कुछ बन पड़े तो गरीबों के लिए हम कुछ कर सकें, तो इसलिए हमने यहाँ पे हर साल 20 कंबल का वितरण करता हूँ मैं। अच्छा। इस साल थोड़ा लेट हो गया, मगर मेरा यही लक्ष्य है आगे को कि मैं आगे से जो भी लक्ष्य रखूँ आगे और बढ़ाऊँ, इसे आगे और करने की कोशिश करूँ। आज मैंने 20 बांटी है, अगले साल 25 बांटूँ, मेरा लक्ष्य यही रहेगा वृद्धों के प्रति। माता जी आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहते हो आप दीपक भाई के लिए? बढ़िया लगा, हम तो ये कह लंबी उम्र होगा उनकी, हमारी बहुत वो करी है। अच्छा अच्छा, दीपक तो ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। अच्छा, और ये बहुत ही बढ़िया लगा है। अच्छा, ऐसे ही आगे ये करते रहेंगे। आपको मतलब कैसा लग रहा है आपको कंबल दीपक भाई ने बांटी है? सही लग रहा है। सही लग रहा है, दुआ दोगी? दुआ दे रहा है। अच्छा चलो, बहुत अच्छी अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है माता जी आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा, क्या कहोगे दीपक भाई के लिए? भगवान ठीक ठाक रख रहे हैं, बच्चों लंबी उम्र कर रहा है, बच्चों को ठीक ठाक रखा है। अच्छा अच्छा, भाई हमारे चाचा जी हैं, आप क्या कहोगे दीपक भाई को? बहुत बढ़िया काम, बहुत 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 बधाई हमारी, और बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा नेक काम करा, बहुत धर्म काम करा। ये धर्म का काम है, कोई गलत काम नहीं है, बढ़िया काम है। अच्छा बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा काम ना। अरे तो माता जी और कुछ कहना चाहती है? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब लंबी उम्र हो तुम्हारी भी। ठीक है, तो देखा दोस्तों, यहाँ विजय रामपुरा में हमारे जो दीपक भाई हैं, एक समाज सेवी के रूप में उभर के आए हैं, जो प्रतिवर्ष ऐसे ही बुजुर्गों को गर्म कपड़े बांटते हैं। तो अब इस ब्लॉग को हम ये समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।